नमस्कार अनस्टेंस, कैसे हैं आप? आशा है आप सब सकुशल और स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे शुद्धलेख मात्रा आ। जिन वर्णों के उच्चारण के साथ आ की आवाज आती है, वहां हम आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो आज हम करते हैं शुद्धलेख मात्रा आ। पहला शब्द है आराम। आ रा म, आराम। आ के ऊपर पूरी छत का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा शब्द है दवात। द वा त, दवात। अगला शब्द है गाजर। गा ज र, गाजर। अगला शब्द है बाजार। बा जा र, बाजार। अगला शब्द है तलवार। त ल वा र, तलवार। अगला शब्द है बरसात। ब र सा त, बरसात। भगवान। भ ग वा न, भगवान। भ की छत पूरी नहीं होती। अगला शब्द है अखबार। अ ख बा र, अखबार। अगला शब्द है आसमान। आ जब आप अ उ बनाए तब उसका नीचे वाला जो लूप है इसको लाइन तक जरूर टच करें। आ स मा न, आसमान। आखिरी शब्द है पाठशाला। प प को रेखा से नीचे लाना है। पा ठ शा ला, पाठशाला। अभिभावकों, शुरुआत में हमने वर्णों के उच्चारण के साथ आ की मात्रा का प्रयोग करने के लिए अलग किया था, जैसे र आ रा। लेकिन अब बच्चे इसके आदि हो चुके हैं। अब हम मात्रा को वर्ण से अलग उच्चारण नहीं करेंगे, उनको इसकी आदत रखनी है। इसलिए वर्ण के साथ ही मात्रा का उच्चारण करना है, जैसे रा राम। सो हिंदी के शुद्धलेख के लिए 5 लाइन वाली कॉपी का ही प्रयोग करें। धन्यवाद।